इस वक्त स्क्रीन पर आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल सही देख रहे हैं और सही सुन रहे हैं। लेखपाल या बीडीओ में आप सभी के लिए कौन सी जॉब बेस्ट रहेगी? लेखपाल बेस्ट है या फिर बीडीओ बेस्ट रहेगी? साथ ही साथ लेखपाल और बीडीओ में खाली जाएंगी हजारों सीटें। मैं पूरे दावे के साथ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष कुछ पॉइंट यहां पर रखने वाला हूं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। यूपी SSSC ने एक बड़ा यहां पर जो गेम है वो खेल दिया है। जानकारी मैं दूं, उससे पहले थोड़ी सी जानकारी मैं और दे दूं आप सभी को। आज से आपकी परीक्षा के मात्र जो है 49 दिन शेष बचे हैं बीडीओ और एग्जाम 2018 की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पेड बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा, जहां पर इस तरीके का लिंक दिया गया है सीधे क्लिक करिएगा और आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन पेमेंट करते ही बैच से जुड़ जाएंगे, जहां पर आपको समस्त जो नोट्स वगैरह होंगे अवेलेबल तुरंत वहां पर करवा दिए जाएंगे और आप अच्छे तरीके से अगर पढ़ेंगे तो एक सीट यहाँ पर पक्की कर लेंगे। 199 इसका प्राइस रखा गया है। आगे बढ़ेंगे अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेखपाल बेस्ट है या फिर जो है आपके लिए वीडियो बेस्ट रहेगा, फिर हम इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर बात करने वाले हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि लेखपाल के पास जो वर्कलोड है वो कहीं ना कहीं जो है वीडियो के वर्कलोड से ज़्यादा वर्कलोड है। पहली बात आप इस चीज़ को समझिए। खैर, कुछ मायने में ये दोनों जो पोस्ट हैं वो अच्छी हैं। लेखपाल भी बेस्ट है, राजस्व की नौकरी है, और वीडियो भी बेस्ट है, ग्राम पंचायत की नौकरी है। इसमें भी आपको गाँव तक जाना होगा, इसमें भी आपको गाँव तक जाना होगा। तो सिमिलरिटी की हम बात यहाँ पर नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इसके प्रो और कॉन्स की। यहाँ पर देखिए, अगर आप लेखपाल में जाते हैं तो आपके पास थोड़ा सा समय जो है कम रहेगा स्टडी वगैरह करने का, लेकिन अगर वीडियो में जाते हैं तो थोड़ा सा समय आपके लिए ज़्यादा रहेगा। क्योंकि होता क्या है कि लेखपाल में आपको तहसील विजिट करना पड़ेगा, अधिकारी जो आएंगे उनके साथ आपको रहना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसमें तहसील विजिट ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको नहीं जाना होता है। तो कुल मिलाकर के तहसील विजिट और बहुत से अन्य जो वर्क्स होते हैं वो जो है लेखपाल को करने होते हैं और जो वीडियो को नहीं करने होते हैं। कभी किसी सूखा पड़ जाएगा तो उसकी भी रिपोर्ट देनी होगी और बहुत ज़्यादा वाद विवाद होता रहता है जमीन जायदाद को लेकर के, तो इसमें लेखपाल जो है पूरे दिन बिजी रहता है और वीडियो के पास थोड़ा सा समय यहाँ पर रहता है। कहीं पर कोई वाद विवाद नहीं होता है, कोई दिक्कत उसके साथ नहीं होती है। अधिकतर मामले जो होंगे लेखपाल के पास वो जमीन वाले पहुँचते रहते हैं, वाद विवाद की कंडीशन होती है, उसको जाना पड़ेगा, नापना पड़ेगा खेत, बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसके अलावा कहीं पर अगर बाढ़ वगैरह आ जाती है तो उसमें भी सर्वे करना पड़ता है, सूखा रिपोर्ट का सर्वे करना पड़ता है, ओलावृष्टि अगर हो गई तो उसका भी रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो कई सारे रिपोर्ट जो है वो लेखपाल यहाँ पर करता रहता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें सेम ग्रेड पे है, लेकिन फिर भी जो है बेस्ट जॉब रहेगी वीडियो के लिए। अब ऐसे में जो लेखपाल के बहुत से साथी चयनित हुए हैं DV के लिए, सेलेक्ट हुए हैं, वो बहुत से साथी तैयारी कर रहे हैं वीडियो एग्जाम के लिए और मुझे ऐसा लग रहा है कम से कम 500 प्लस अभ्यर्थी जो लेखपाल का होगा वो जाकर के वीडियो में सेलेक्ट होगा। जो अच्छे नंबर हैं, जिनके जो पढ़ने में अच्छे हैं, वो कम से कम 500 प्लस जो लेखपाल अभ्यर्थी होंगे कम से कम जो है वीडियो में जाकर के यहाँ पर सेलेक्ट होंगे। जब वीडियो में जाकर के सेलेक्ट होंगे तो होगा क्या, अभी चूंकि ये लोग DB करवा चुके होंगे, हो सकता है ज्वाइनिंग भी हो जाए लेखपाल की सितंबर अक्टूबर तक। उसके बाद ये लोग वीडियो का एग्जाम जो 26 तारीख में और 27 तारीख में है, 26-27 जून को वो दे ही देंगे। जब दे देंगे तो इन लोगों का नाम भी जो है इस वीडियो की लिस्ट में आ जाएगा। ऐसे में बहुत से साथी हो सकता है कि लेखपाल के पद पर बने रहना चाहें तो DB स्किप कर सकते हैं, जिस तरीके से लेखपाल में DB स्किप चल रही है, और बहुत से साथी ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि हम लेखपाल की नौकरी छोड़ करके वीडियो की नौकरी को ज्वाइन कर लें। तो हजारों की संख्या में जो सीट है वो लेखपाल की यहाँ से खाली होगी और वीडियो में वही अभ्यर्थी जो लेखपाल में चयनित हैं वही अभ्यर्थी जाकर के वीडियो में भी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो दोनों तरफ से यहाँ पर अभ्यर्थियों का नुकसान है। कि अभ्यर्थियों का कैसे नुकसान है, यहाँ पर जो है वीडियो में आकर भर जाएंगे वही अभ्यर्थी, तो जो नया अभ्यर्थी होगा वो शायद ना पहुंच पाए यहाँ पर। दूसरी बात क्या होगी, लेखपाल की जो सीटें होंगी हजारों सीटें यहाँ पर खाली हो जाएंगी। करना क्या चाहिए था आयोग को हमारे हिसाब से, थोड़ा सा जो है वीडियो को और डिले कर देना चाहिए था और इनकी जब ज्वाइनिंग हो जाती है लेखपाल वगैरह की तब जो है जाकर के यहाँ पर वीडियो का एग्जाम कंडक्ट करवाते, तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते शायद वीडियो एग्जाम स्किप कर देते, वीडियो एग्जाम ना देते तो वो DB के लिए शॉर्टलिस्ट ना होते। कुल मिलाकर के यही अपडेट आपको देनी थी कि लेखपाल के जो भी अभ्यर्थी हैं वो वीडियो की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं और लेखपाल में तो उनका हो ही जाएगा अगर, और लेखपाल ज्वाइन करने के बाद अगर वीडियो उनका हो जाता है तो वीडियो को भी यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। लेखपाल या वीडियो में से अगर हम बात करें तो हमारे हिसाब से वीडियो की जॉब बेटर है लेखपाल की अपेक्षा, क्योंकि पिछले साल भी 2015-16 में जो वैकेंसी आई थी लेखपाल की उसमें कई साथी हमारे चयनित हुए थे और इसके बाद वो लेखपाल में सेलेक्ट हुए थे। बाद में 16 में वैकेंसी आ गई थी वीडियो ग्राम पंचायतकारी वाली, तो उसमें
जा करके लेखपाल के बहुत से अभ्यर्थी सेलेक्ट हो गए वीडियो में, तो लेखपाल की जॉब छोड़ करके वीडियो की जॉब में आराम से जो है उसने नौकरी किया। तो कुल मिलाकर के वीडियो की जॉब बेहतर है। अब वीडियो की तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिएगा। एग्जाम आपका नज़दीक है, जब भी 27 जून की डेट में है। बाकी जो कुछ होगा अपडेट आपको चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। और अगर आप पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, लिंक वहाँ पर दिया गया है। फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ।